दोस्तों, दीपावली आने को है। हिंदू धर्म में दीपावली के पर्व का विशेष महत्व है। दीपावली में घरों को दीपकों से सजाया जाता है। इस दिन मुख्यतः गणेश जी और मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। गणेश जी के पूजन से शुभ और लाभ की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी खुशहाली और संपन्नता का वरदान देती हैं। इसके साथ ही दीपावली के दिन महानिशीथ काल में मां काली का भी पूजन किया जाता है। यह सिर्फ दिए जलाने का त्यौहार नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता और आशा फैलाने का समय है। इस दिवाली आइए हम सब मिलकर नकारात्मकता को दूर करें और अपने जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का दीप जलाएं। इस दिन भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के अयोध्या लौटने की खुशी में हर घर में दीप जलाए जाते हैं और यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि गुरुवार 31 अक्टूबर को दोपहर 3:54 से शुरू होगी और शुक्रवार 1 नवंबर को शाम 6:07 से शुरू होगी, 1 मिनट पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि शुक्रवार 1 नवंबर को ही है, इसलिए इस बार दीपावली का पावन पर्व शुक्रवार 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा। शुक्रवार 1 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:00 से 5:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:03 तक रहेगा। अमृतकाल शाम 5:42 से शाम 7:29 तक रहेगा। इस दिन राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 तक रहेगा। अब आपको इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं तो शुक्रवार को प्रीति योग बन रहा है, जो कि सुबह 10:04 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा, जो कि पूरे दिन रहेगा, क्योंकि अमावस्या तिथि पर पितृतर्पण दोपहर के समय किया जाता है, इसलिए इस दिन पितृतर्पण का मुहूर्त दोपहर 12:04 से 1:04 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:05 से 2:49 तक रहेगा और गोठली बेला शाम 5:36 से 6:02 तक रहेगी। शाम को गोधूली बेला में गौ माता की पूजा करने या गौशाला के आसपास दीप दान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं दीपावली पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। 1 नवंबर को दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से रात 8:01 तक रहेगा। लक्ष्मी पूजा आज प्रदोष काल में की जाती है और प्रदोष काल का समय शाम 5:36 से 6:01 तक। दीपावली की रात को विशेष पूजा की जाती है, जिसे काली पूजा के नाम से जाना जाता है, और रात 11:03 से 12:03 तक का समय काली पूजा का शुभ समय होता है। दिवाली का विसर्जन दिवाली के अगले दिन किया जाता है, इसलिए दिवाली विसर्जन का समय शनिवार 2 नवंबर को सुबह 3:05 से 4:02 तक रहेगा। सामान्यतः ये उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन इसकी तैयारियां कई सप्ताह पूर्व ही आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई करना शुरू कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंगाना, सजाना शुरू हो जाता है। दीपावली से पहले ही बस्तियां, बाजार सब साफ सुथरे, सजे धजे नजर आते हैं। सभी ओर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। दिवाली की सफाई में घर से कुछ चीजों को निकाल बाहर करना बहुत जरूरी होता है। कुछ अशुभ चीजों के घर में रहने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन और वास नहीं होता। अस्वच्छता, गंदगी जहां रहती है, मां लक्ष्मी उस स्थान से दूर रहती है। फिर उस घर में हमेशा धन की कमी रहने लगती है। निराशा, दुख, दरिद्रता छाई रहती है। कई बार कुछ पुरानी चीजों को हमसे फेंका नहीं जाता, उन्हें हम यूं ही घर में रख देते हैं, लेकिन इन पुरानी चीजों से आपका मोह घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींच लाता है। घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती चली जाती है। इसका सबसे बड़ा असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। मां लक्ष्मी ऐसी जगहों पर वास नहीं करती जिससे घर में दुख, निर्धनता आती है। इसलिए दिवाली से पहले घर की कुछ चीजों को घर से बाहर करना बेहद जरूरी हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपावली से पूर्व घर की किन चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।
घर में टूटा हुआ आईना या कांच रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। घर के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। आपके घर में यदि कोई आईना, दिया, किसी फ्रेम का कांच टूटा हुआ है तो दिवाली से पहले उसे बाहर फेंक दें, ताकि मां लक्ष्मी के आगमन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। घर में हम अक्सर फटे पुराने कपड़ों को फेंकने की बजाय कहीं काम आ जाएंगे ये सोच के रख देते हैं। फटे पुराने कपड़ों, पर्दों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। कभी फटी बनियान, अंतर वस्त्र या फटे कपड़े ना पहने, ना ही इन्हें घर में रखें। कबाड़ को भी जमा करके ना रखें। घर में खराब या फटे पुराने जूते चप्पल हैं तो दिवाली की सफाई करते समय उन्हें बाहर फेंक दें। फटे जूते और चप्पल घर में दुर्भाग्य लाते हैं, आपकी उन्नति में बाधा लाते हैं। अगर घर में किसी भी तरह की गंदगी रह जाए या टूटी फूटी चीजों को नहीं फेंका जाए तो घर में अलक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी घर से रूठकर चली जाती है। आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। ये भी ध्यान रखें कि आपका पर्स फटा ना हो। फटे पर्स को फेंक दें। तिजोरी टूटी हुई हो तो ठीक करवा लें। इनमें धन के साथ केवल धार्मिक और पवित्र चीजों को ही रखें। इससे सकारात्मकता बढ़ती है। बंद पड़ी पुरानी घड़ियां घर में ना रखें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी उन्नति को रोकती है, तो ऐसी घड़ी अगर आपके घर में हो तो दिवाली से पहले उसे ठीक कराएं या घर से बाहर कर दें। अगर आपके घर में कहीं बिजली के उपकरण खराब हो गए हैं तो उन्हें उसी अवस्था में ना रखें। दिवाली से पहले उन्हें ठीक करा लें या कबाड़ में बेच दें। घर की छोटी मोटी अलमारियों में किसी का दरवाजा अगर टूट गया है तो उसे बनवा लें। खुली अलमारी घर में रखने से धन की हानि होती है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें या उन्हें घर के बाहर निकाल दें। अक्सर पुरानी टूटी फूटी चीजों को, कबाड़ को घर के छत पर रखा जाता है। दिवाली पर ऐसी चीजों को छत पर ना रहने दें, इन्हें बाहर फेंक दें। छत को साफ सुथरा रखें। दीपावली के दिन सिर्फ मां लक्ष्मी के लिए ही नहीं बल्कि पितरों के निमित्त भी दीप जलाए जाते हैं। मान्यता है कि दीपावली की अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है। हमारे पितर कहीं मार्ग से भटक ना जाएं, इसलिए उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था इस रूप में की जाती है। इसलिए पितरों के निमित्त छत पर दिया जलाया जाता है। ऐसे में छत को साफ सुथरा रखना, वहां से कबाड़ हटा देना बहुत जरूरी है। घर में भगवान की खंडित मूर्तियां बिल्कुल ना रखें। ऐसी मूर्तियों में भगवान वास नहीं करते, उल्टा इन्हें रखने से दुर्भाग्य में बढ़ोतरी होती है, आर्थिक हानि हो जाती है, तो इन्हें कहीं विसर्जित कर दें। घर में रखें देवी देवताओं के चित्र फट गए हों तो उन्हें भी विसर्जित कर देना चाहिए। भगवान के ऐसे चित्र जो प्रसन्न मुद्रा में ना हो, जैसे चिलिम पीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव, तो उन्हें भी घर में ना रखें। घर का फर्नीचर हमेशा सही स्थिति में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार खराब फर्नीचर का घर पर बुरा असर पड़ता है। ये तरक्की को रोक देने का काम करता है। सोफे का कवर या बेड पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। घर का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल ना हो। यदि पलंग ठीक नहीं होगा तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है, तो दिवाली से पहले इसे ठीक करा लें। अक्सर घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में मकड़ी के जाले लग जाते हैं, सफाई करते समय इन्हें पूरी तरह से हटा दें। दिवाली पर घर में टूटे हुए बर्तनों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्हें वैसे भी घर में जमा करके नहीं रखना चाहिए। टूटे बर्तनों को घर में रखना, इसमें खाना बनाना या खाना अशुभ माना जाता है। घर से टूटे हुए या चटके हुए बर्तन दिवाली से पहले बाहर निकाल दें। खराब खिलौने, रद्दी कागज, पुराना प्लास्टिक, निरुपयोगी बक्से, टूटे उपकरण घर से बाहर निकाल दें। ये चीजें घर में नैराश्य लाती हैं। ऐसी जगहों पर मां लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसके साथ ही सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, हमेशा के लिए और भी कुछ चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। घर को सजाने में कई तरह की पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नटराज, डूबती नैया, युद्ध के चित्र, ताजमहल, जंगली जानवरों के चित्र, कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए। इससे मन मस्तिष्क पर गलत असर पड़ता है। लगातार इन पेंटिंग्स के नजरों के सामने रहने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हम पर बढ़ता चला जाता है। इन चित्रों में सुंदरता होती है, लेकिन उन प्रतिमाओं के मायने समझ लेने भी बहुत जरूरी है।
उदाहरण के तौर पर युद्ध जैसे चित्र हिंसा और क्लेश कलह दर्शाते हैं। इसके बुरे असर से घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, क्लेश कलह बढ़ जाते हैं। नटराज के रूप में शिवजी तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है। ताजमहल असल में एक कब्रगाह है। डूबती नैया का चित्र आपकी समृद्धि को डुबा देगा। इससे रिश्तों में दूरियां भी आ सकती है। इसी तरह उजाड़ बस्ती, टूटा फूटा मकान, बंजर जमीन, सूखे पहाड़, ऐसे चित्र कलात्मक दृष्टि से ही बनाए जाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार इन्हें घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। कभी कभी घर में अनावश्यक पत्थर, अंगूठी, ताबीज या इसी तरह की कोई चीजें घर में कहीं रखी हुई होती है। पुरानी चीजें होती है और पता भी नहीं होता कि कौन सी चीज फायदा पहुंचा रही है और कौन सी चीज नुकसान। तो ऐसे में इन चीजों को घर से बाहर निकाल देने में ही समझदारी होती है, क्योंकि एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। तो सही जानकारी ना हो तो इसे दिवाली से पहले घर के बाहर कर दें। दिवाली की सफाई करते वक्त अगर कोई भारी सामान या अनावश्यक वस्तुएं आप फेंकना नहीं चाहते, अन्य जगह पर स्थानांतरित कर देते हैं, तो घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में इन्हें रखें। पुराने बचे दिए ना जलाएं, नई दीपावली पर नए दिए लाएं। इन सब के साथ ही अपने घर के मंदिर की सफाई अवश्य करें। घर में सजा हुआ मंदिर ईश्वर को तो आमंत्रण देता ही है, साथ ही घर की शोभा भी बढ़ाता है। मंदिर के सामने रंगोली बनाएं। आपका मंदिर छोटा है तो आप मंदिर के पीछे लाल और पीले रंग के कपड़े से सजावट कर सकते हैं। पीला और लाल रंग बहुत शुभ होते हैं, इसलिए इन कपड़ों से अपना मंदिर सजाएं। ऐसे मौके पर कमल पुष्पों द्वारा घर का मंदिर सजाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये खूबसूरत भी लगता है। कमल के पुष्प माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इससे माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश आकर्षित हो जाते हैं। तो दीपावली से पहले ही माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर की सफाई करें, टूटी फूटी पुरानी चीजें हटा दें। घर को वास्तु के अनुसार सजाने से आपको धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो माँ का स्वागत करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से सजाएं। आम के पत्तों को बहुत ही शुभ माना जाता है। हर शुभ कार्य में आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों का तोरण लगाएं। घर के मंदिर को भी गेंदे के फूल और आम के पत्तों से सजाएं। मुख्य द्वार पर अगर कोई भारी सामान या रुकावट हो तो उसे हटा दें। घर की दहलीज अगर टूटी हुई है तो उसे ठीक करवा लें। घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनाएं, सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, दोनों ओर सुबह शाम दीपक प्रज्वलित कर रखें। इससे सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, धन का आगमन होता है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां का वातावरण सुखमय और शांति से भरा होता है, संपन्नता बनी रहती है। दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर और हर कमरे में गंगाजल का हल्दी और कपूर मिलाकर छिड़काव करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो इस दीपावली पर इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें, जिससे आपके घर में ढेर सारी खुशियां आए। आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।